नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जिन जातकों की जन्म पत्रिका में गुरु दशम भाव में होता है तो क्या लाभ देता है और क्या हानि देता है। साथियों, दशम भाव में यदि किसी जातक की पत्रिका में गुरु बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति सदाचारी होते हैं, असाधारण धनवान होते हैं, वकील भी होते हैं, अध्यापक प्राध्यापक, धार्मिक संस्था का प्रधान, वैभवशाली, अहिंसक प्रवृत्ति इन लोगों की होती है। ये किसी से झगड़ा विवाद या फसाद कभी नहीं किया करते। ऐसे लोग जो है जिनकी जन्म पत्रिका में गुरु दसवें भाव में बैठा होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं, मातृभक्त होते हैं और प्रसिद्ध उच्च स्तरीय रहन सहन इनका होता है, राज सम्मान जीवन में प्राप्त करते हैं, भाइयों से इन्हें बहुत धन लाभ होता है, भाई भी इन्हें बहुत प्रेम करते हैं, इनके भाई बंधु आपस में इनमें बहुत प्रेम और स्नेह बना रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है भाइयों से धन लाभ लेने वाले और भाइयों की हमेशा मदद करने वाले भी लोग हुआ करते हैं। माता पिता से हमेशा सहायता प्राप्त होती है, माँ बाप इनके बहुत प्यार करते हैं जिनके दशम भाव में गुरुदेव विराजमान होते हैं। ऐसे लोग जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करके, ऐसे लोगों को कभी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य जब ये स्वतंत्र रूप से करते हैं तो जीवन में बहुत सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यवान होते हैं, शत्रु हंता भी होते हैं, शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाता, भाग्यवान तो बहुत होते हैं, जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और इनके जीवन में परेशानियां तो आती हैं लेकिन चुटकी में ही गायब हो जाया करती हैं। ऐसी क्षमताओं वाले दशम भाव में जिनके गुरु बैठा होता है ऐसे जातक होते हैं। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें ताकि ऐसी तमाम जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो तो प्लीज़ हमें शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे। धन्यवाद।